अज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट दे विच ते जो पंजाब सरकार आले पासो जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए सी ते जो एमिकस क्यूरी जज साहब ने जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी तन्नू बेदी मैम जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुंदे ने ओह पेश हुए सी ते मैं बीइंग द पटिशनर ते मेरे जो वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग ओह पेश हुए सी तो उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने गल रखी भी जो भाई अमृतपाल सिंह दी अरेस्ट नहीं हुई है जी ते उन्होंने ये भी गल रखी भी जो साडियां एजेंसियां दे नाल जो पूरा कोआर्डीनेशन चल रही है ते उस तो बाद चो जज साहब ने कहा भी तुसी एफीडेविट दे उपर गल रखो ते सानू भी कहा भी असी जिवें जो साडी पटिशन विच ग्राउंड है भी भाई अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त विच ने ते असी भी आपदा एफीडेविट दईए ते उस नाल जिन्ना भी साडा जो सपोर्टिंग एविडेंस है उस सपोर्टिंग एविडेंस भी असी एक एप्लीकेशन ला के जो मानयोग अदालत अगे रखांगे ते जो कल नू इस केस की जो अगली सुनवाई रखी है जी 29 मार्च नू। सर तुहाडे वल्लों हुण किस तरह की कार्रवाई की मांग की गई है मानयोग अदालत दे विच? नहीं सर, हमने आज जो असी जो आपकी एप्लीकेशन लाउणी है ते कल नू डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी कर लिए, हिंदी में। खरा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी है फ्रेंड ऑफ कोर्ट है जिन्होंने जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहां पर जो एजी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान है चाहे असम में है NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी, सारा जायजा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली है असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहां पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था न्यूज मीडिया में देखा था कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर है, काफी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल UP में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्गे देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं पंजाब की एजेंसियां तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए, तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं।
सर जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज की एप्रीहेंशन पूरी है भी ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हों और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दसवीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूंगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। भाई साहब एजी ने ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहां पर भी हम जो नजदीक है, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफी नजदीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो, आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही ये पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूं कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई और कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 आला जनाले आला है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसे अंदर रखो और इनकी जो करेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो इसी प्रोपेगेंडा के तहत, ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे का नाम ले रहे हैं आप, लेकिन नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम है, 100-150 गाड़ियों का काफिला था, मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं, अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ लाइक कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। वारिस पंजाब से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंज आप दे इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम का अमृतपाल की पॉपुलैरिटी को कैश करने के नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला है और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरिनाव है, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उस चीज का दो जगह रजिस्टर्ड है नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरिनाव और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं, इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है, दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज में बारे नहीं पता, मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है, और इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ, परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।